वैसी फीलिंग है। इस बार फीलिंग थोड़ा सा मतलब क्या है, 25वां साल और प्रीतम नहीं है इस साल तो। हाँ वो मोबाइल पे देख रहे हैं, बार बार वीडियो कॉल पे, दोहा में है वो, दोहा से वीडियो कॉल कर रहा है। वो भी मिस कर रहा है जितना हम उसे मिस कर रहे हैं, कुछ उसके फ्लाइट के लफड़े हो गए। लेकिन हाँ प्रीतम इस बार, बहुत सालों बाद ऐसा है कि प्रीतम नहीं है साथ में, लेकिन ठीक है, बस ज़िंदगी है। और 25 साल हो गए देखते देखते यार, और इस जगह पे इस मैदान में शायद 15 साल हो गए, कैसे टाइम बीता पता नहीं चला। और 25 साल भी हमें पता नहीं था, कल प्रीतम की मम्मी ने और मेरी मम्मी ने याद दिलाया कि 25 साल हो गए। नहीं पूजा हो गई, देखिए स्पेसिफिक क्या पूजा चलती है, इनमें से किसी को भी ऐसे हम इनविटेशन नहीं देते, लोग आ जाते हैं तो अभी कौन आएगा मुझे भी नहीं पता। सो जो पता होता है वो कम, जैसे प्रियंका की मम्मी आई सरप्राइज से मेरे लिए, और उनको पता था वसंत पंचमी में आ गई और प्रियंका होती तो वो भी आती है नहीं यहाँ पर। तो जो जो यार दोस्त है जो साथ में काम कर रहे हैं जिन्हें पता है, इट्स नाइस, सब आ जाते हैं आप माँ माँ का आशीर्वाद लेने। पूजा तो जैसे माँ सरस्वती, क्योंकि हम सभी देखें माँ सरस्वती के ही मतलब यू नो, और तो सब आते हैं। कोई ऐसा मंत्र जो बंगाली का एक आप गुनगुनाना चाहें, कोई भी जो आपके करीब एक दो लाइन? वो नहीं, माँ के सामने ऐसे कैमरे में नहीं बोलूँगा, मैं भी बोलूँगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। सी बहुत खुशी होती है, बहुत कम होता है बॉम्बे में इस टाइप से सेलिब्रेशन, तो बहुत अच्छा लगता है जब नॉर्मली ये सब चीज़ें हम दिल्ली में नवरात्रों में उस तरीके से देखी जाती थी। और यहाँ दादा हम काफ़ी आई थिंक पाँच छः सालों से आ रहे हैं, 5 साल से आ रहे हैं, और 25 साल से ये चीज़ चल रही है। तो बहुत मैं चाहूँगा कि ये ज़िंदगी भर दादा करते रहें, बहुत अच्छा एक पुण्य का काम है जिसमें सब लोग साथ में आते हैं, उनको लंगर खाने को मिलता है और बहुत बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो बहुत बहुत मुबारक दादा को, पूरी फैमिली को, सबको ब्लेसिंग्स मिले सरस्वती माता की, और ये सब चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव। सरस्वती माँ यू नो टैलेंट देती है, क्रिएटिविटी देती है, तो वो तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बहुत आशीर्वाद मिलता है उनका ताकि क्रिएटिविटी इन्हांस हो और अच्छा काम कर सके। सो आई थिंक बहुत ही अच्छा ओकेजन है, और दादा खुद अपने हाथों से खाना बनाते हैं जो हमने खाया, और आपने मुझे खीर भी खिलाई। चटनी बहुत अच्छी है, चटनी बहुत अच्छी बनाते। श्रद्धालु तो मैं हुई, सरस्वती पूजा तो हम जमशेदपुर के हैं तो हमारे यहाँ तो ज़रूरी होता था, वसंत पंचमी शुरू हो जाए इसके बाद बेर खाने का टाइम शुरू हो जाता है तो। और सरस्वती तो एज अ स्टूडेंट हम लोग करते ही थे, और यहाँ बहुत अच्छा लगा कि दादा ये रिचुअल को कंटिन्यू रखते हैं। तो जब भी मैं इंडिया में हूँ यहाँ तो मैं ज़रूरी आती हूँ 100%। कैसा माहौल है, कब हम देख रहे हैं कि बहुत ही टाइम से आप यहाँ प्रेजेंट हैं, दर्शन भी किया तो? हाँ दर्शन किया, पुष्पांजलि दिया, भोग खा लिए, प्रसाद खा लिए, तो बस ये इसके लिए तो आती हूँ। तो यहाँ का माहौल इतना मैं कहूँ स्पिरिचुअल लगता है, और खुद को भी ये नहीं कि उठे जल्दी जल्दी नमस्ते करें और जाए, यहाँ बैठ के सुनने को बात करने को मन करता है। चांद जी भी यहाँ पर है, आप बताइए। हम तो जब से यहाँ स्टार्ट हुई है तब से यहीं बांगुड़ नगर में मैं रहता हूँ, अभी तो नहीं वहाँ चला गया हूँ, बट जब से दादा का स्टार्ट हुआ है तब से मैं यहाँ आना है। और यहाँ का वातावरण सरस्वती पूजा का तो वो हर साल का एकदम अलग ही, कोई ऐसा साल बहुत ही कम साल ऐसे होते हैं जो आज तक हम यहाँ नहीं हैं। इनका ये और इनका वो काली मंदिर है कि यहाँ पे काली पूजा में वो दादा का जो उमंग उत्साह, धूप नाच, ये वो दादा के जो मैंने बिल्कुल जो है ना वो रियली में देखने जैसी होती है। ये मैं यहाँ पे आई थिंक सेकेंड टाइम आ रही हूँ, बहुत साल पहले मैं आई थी अपनी सिस्टर के साथ, सो इट्स रियली गुड टू बी हियर। एंड अभिषेक इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड, एंड मेरा कनेक्शन विथ सरस्वती भगवान इज़ लाइक इट गोज़ वे बैक, बिकॉज आई थिंक बंगाली हाउस होल्ड में इट्स अ वेरी बिग फेस्टिवल दैट वी सेलिब्रेट। हम ये पूजा हर साल करते हैं, जमशेदपुर में हम घर पे करते थे, सो वी यूज़ टू हैव हर एट होम, और हम सब अपने बुक्स रखते हैं। सो आई रिमेम्बर एज अ चाइल्ड हम घर के सारे बुक्स रख देते थे कि जितना हमें ब्लेसिंग मिल सकता है भगवान से मिल जाए ताकि हम एग्ज़ाम पास करें, बिकॉज वी यूज़ टू हैव अवर एग्ज़ाम आफ्टर सरस्वती पूजा। सो या आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ फन, एंड हम बेर यू नो बेर हाँ, सो वी जनरली हैव इट आफ्टर दिस पूजा, सो वी स्टू अगेन वेट कि कब ये पूजा करेंगे, और हम प्रसाद में वी जनरली ऑफर, आई डोंट नो हाउ इट इज़ हियर, बट वी जनरली ऑफर दैट, दैट्स द प्रसाद फॉर द पूजा। सो आई जस्ट गॉट रेडी एंड आई केम विथ माई फैमिली, माई पेरेंट्स,
जैसे मुझे मालूम पड़ा बिकॉज लास्ट ईयर और लास्ट ईयर के पहले भी मैं शूट करी थी, आई वॉज ट्रैवलिंग सो आई कुडंट कम. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट टुडे आई एम हियर इन बॉम्बे सो आई कुड कम एंड द इंटायर वाइब इज़ वेरी डिफरेंट. आई थिंक वो माहौल ही अलग है एंड यू वेयर योर इंडियन क्लोथ्स एंड यू मीट ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो इट्स गुड फन. I am very comfortable in a sari. In fact, thanks to the TV shows that I've done, I am a pro. I can wear a sari very fast. So, mujhe zyada time nahi lagta hai. And I personally love wearing Indian clothes. Mujhe ghagra, sari pehna bahut pasand hai. In fact, Bengali traditional sari also I love wearing. Though that takes a little more time to wear because it's a little difficult. But I like Indian clothes. And Saraswati, Rana, ऐसी कोई स्पेशल नहीं बट आई वुड ऑलवेज से बिकॉज शी इज अ देवी ऑफ एजुकेशन ऑफ यू नो एवरीथिंग सो आई वुड जस्ट टेल हर टू गिव मी ऑल हर ब्लेसिंग्स एंड नॉट जस्ट मी टू ऑल ऑफ अस टू ऑल द किड्स एंड एवरीबॉडी दैट्स इट. एक्चुअली मेरा पहली बार मैं सरस्वती पूजा के लिए आ रही हूँ. यूजुअली दो तीन साल से जो दुर्गा पूजा होती है उसके लिए आई एम ऑलवेज देयर सो आई एम वेरी एक्साइटेड. अभी मैंने दर्शन नहीं किया है बट इट्स अ वेरी वेरी प्रिटी पंडाल सो आई एम रियली एक्साइटेड टू गो एंड touch feet and do all that kyunki mujhe nahi karne ko milta because I'm a muslim and mere ghar pe nahi hota so I wait for these like events jo aur log karte hote hain so I'm really excited. I think it's also ki bombay mein actually apne jo sarvajanik bangali jo sab kuch hote hain sarvajanik bangali uske alawa actually nahi hota because ye sare pandal jo lagte hain ye jo ek gathering hoti hai zyada tar bangali log hi karte hain and I somehow somewhere consider myself half bengali so dada ke actually sarvasiddhi puja mein main ye dusri baar aaya hu pichli baar bahut saal pehle tha when I was industry mein bachcha to us waqt aur abhi aana haan ji aur main khud aaya hu shayad 10 11 saal pehle so wo bhi ek baat hai and it's great I mean 25 saal and aap dekhe kitne sare log yahan pe aaye hain kitni achhi tarah se sab ghul mil rahe hain abhi music hoga khana wana hoga bahut maza aayega there will be music there's always music I'm very excited dance obviously no I love getting ready aur aise pandal mein bengali dance kya hota hai matlab with that thing I'll try it sounds fun. यार मन्नतें तो बहुत हैं हसरतें ही हसरतें हैं और क्या है ज़िंदगी में. वाह 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 ये ओरिजिनल नहीं है लेकिन यार मन्नत यही रहती है कि मेरा काफ़ी कुछ काम तो मेरी आवाज़ पे डिपेंड करता है चाहे मैं गा रहा हूँ चाहे मैं होस्ट कर रहा हूँ एक्टिंग में ऑफकोर्स तो मेरा तो यही रहता है कि यार सरस्वती माँ सबको एक बहुत खूबसूरत आवाज़ दे बिकॉज म्यूजिक इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल. आयशा मेरे बगल में खड़ी है और आयशा जब गाना गाती है तो ऐसा गाती है कि मतलब आपके माइक फट जाएंगे कैमरा टूट जाएगा इसलिए मैं इस साल उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आयशा को एक अच्छी आवाज़ दे. थोड़ी सी अगर थोड़ी सी बेटर हो जाए तो माँ मेरे ऊपर बहुत ऐसे ब्लेसिंग्स होंगे माँ की. बंगाली की अरे वो यार बंगाली में तो मुझे एक ही गाना आता है इफ शी नोज़ द लिरिक्स. देखो आलो आलो आकाश देखो आकाश सारा भरा देखो जा सी दिस इज वेयर आई गेट कंफ्यूज थोड़ा हो जाता है यही मेरा भी यही हाल है एक्चुअली आयशा जैसा ही हाल है. इवन इफ यू हम इट्स सो स्वीट चैंग की आवाज इतनी स्वीट है हम करते करते भी इट्स वेरी नाइस यू नो सरस्वती पूजा बचपन से एक्चुअली बंगालीज में शी इज सब जगह शी इज़ द गॉडेस ऑफ नॉलेज एंड स्टडीज़. और बचपन में रिमेंबर मम्मी हमेशा किताब और पेंसिल पेन जिससे एग्जाम लिखना होगा ना वो हमेशा माँ के चरण में रखती थी. आज तो खैर कुछ है नहीं रखने के लिए अब हाँ ऐसा लगता था कि माँ के चरण में रख दिया तो पढ़ना नहीं पड़ेगा तो हम सारी किताब रख देते पेन पेंसिल सब. अब तो खैर वो भी नहीं है बट इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग मेरे लिए दुर्गा पूजा हो काली पूजा हो. आई थिंक फॉर मी इट्स द होल इट्स अ कल्चरल सेलिब्रेशन जो मज़ा आता है लोगों के साथ मुलाकात होती है पूजा टू पूजा हॉपिंग जो होती है साल में दो तीन बार और लोगों से मिलना होता है खिचड़ी खाने को मिलता है साड़ी पहनने को मिलता है. सो आई थिंक इट्स अ कल्चरल सेलिब्रेशन फॉर अस ऑलवेज. अनुराग बासू की पूजा में कितने साल से आई थिंक जब से आई हैव नोन हिम हो गए बहुत साल सिर्फ लास्ट ईयर आई वॉज नॉट देयर आई वॉज आउट ऑफ टाउन लेकिन बहुत साल हो गए एक्चुअली 4-5-6 साल आई थिंक. बर्फी किस साल में होती है उसके पहले से
बचपन में तो मैं यहाँ थी नहीं, मेरे को बॉम्बे आए हुए अभी आई वॉज इन ईयर 97, बट अदरवाइज बचपन में वही मम्मी सारे किताबें लेके स्कूल के यू नो किताब पेंसिल पेन जिसे एग्जाम लिखेंगे वो सब रख देते थे माँ के चरण में, क्योंकि ऐसा बिकॉज सरस्वती इज़ द गॉडेस ऑफ नॉलेज, तो ऐसा होता था कि भाई हम पास हो जाएंगे उनके चरण में रख दिया, तो बस तो दिस वॉज वन ऑफ माई फॉन्डेस्ट मेमरीज आई थिंक ऑफ सरस्वती पूजा, टू कीप ऑल आवर बुक्स बाय हर फीट। बहुत अच्छी फीलिंग है डेफिनेटली, बिकॉज हर साल हम यहाँ पे आते हैं सो बहुत अच्छा लगता है, यू नो इट्स वेरी पॉजिटिव वेरी वाइब्रेंट, इतना बंगाली जैसा माहौल लगता है बॉम्बे में होते हैं तो इतना वो होता नहीं है, सो डेफिनेटली दे आर ऑल्सो बंगाली तो वो एक कनेक्शन बन जाती है एंड देन बंगाली बहुत सारे फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं, सो इट्स लाइक एक अड्डा बन जाता है हम सबका, है कि नहीं।